इस बार के फेस्टिव सीजन में ज्यादातर सेक्टर्स में जोरदार खरीदारी देखी जा रही है। कार बाजार नए रिकॉर्ड बना रहा है तो एसी, फ्रिज, माइक्रोवेव जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल की बिक्री भी नए कीर्तिमान स्थापित करने में लगी है। इन सब के बीच ऑफर्स, डिस्काउंट्स और स्कीम्स की नाव पर सवार होकर रियल एस्टेट में भी कोरोना की लहरों का सामना करने का साहस पैदा हो गया है। हाल ही में गए नवरात्रों में घरों की बिक्री में सुधार आने का दावा किया जा रहा है। इस साल के फेस्टिव सीजन में रियल एस्टेट मार्केट को काफी उम्मीदें हैं। कोविड के बाद हमने कस्टमर की साइट विजिट्स में 50% तक का इजाफा देखा, जो कि हमें उम्मीद है कि फेस्टिव सीजन में सेल्स में कन्वर्ट होगा। लोग इस समय नियरिंग पोजेशन या रेडी टू मूव इन्वेंट्री को प्रेफरेंस दे रहे हैं। फेस्टिवल ऑफर्स ने होम बायर्स को अट्रैक्ट किया है। वो होम बायर जो आफ्टर लॉकडाउन प्रॉपर्टी सर्च करने निकला, क्योंकि अब प्रॉपर्टी फाइनलाइजेशन का टाइम जो पहले 1 महीने हुआ करता था, आफ्टर लॉकडाउन वो भी 2 से 3 महीना हो गया। तो 2 से 3 महीने के बाद फेस्टिवल सीजन आया और इस टाइम डेवलपर्स ने भी खुल के स्कीम्स की बौछार करी, तो उसका इम्पैक्ट रियल एस्टेट मार्केट को देखने को मिला। जम के खरीदारी हुई है और होम बायर्स को अच्छे रेट पर प्रॉपर्टी मिली है और डेवलपर्स के स्टॉक भी अच्छे लिक्विडेट हुए हैं। नवरात्र में आई तेजी का असर दिवाली तक बेरोक टोक जारी रहने का अनुमान है। फेस्टिव सीजन में हुई अभी तक की बिक्री के असल आंकड़े तो सामने नहीं आए हैं, लेकिन एक रिपोर्ट में इसके अनुमानों का विस्तार से जिक्र किया गया है। इस रिपोर्ट का दावा है कि बीते कुछ अरसों के ट्रेंड और मौजूदा रुझानों के मुताबिक अक्टूबर दिसंबर तिमाही में मुंबई में बिक्री 36% और पुणे में 34% बढ़ेगी। बेंगलुरु में घरों की बिक्री में 35% बढ़ोतरी का अनुमान है। इसके बाद बारी आती है NCR की, जहां बिक्री 31% बढ़ने का अनुमान है। कोलकाता में 30% और चेन्नई में 22% और हैदराबाद में घरों की बिक्री 21% तक बढ़ने का अनुमान है। महाराष्ट्र में बिक्री बढ़ने के पीछे बड़ी वजह दिसंबर तक के लिए दी गई स्टैम्प ड्यूटी की छूट है। हालांकि NCR में रियायत न होने के बावजूद घरों की बिक्री में तेजी का दावा किया जा रहा है। बहुत सारे डेवलपर्स इस फेस्टिव सीजन में उम्मीद कर रहे हैं कि जो बिक्री है हाउसिंग की, स्पेशली उत्तर प्रदेश के नोएडा रीजन में काफी तेजी पर है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि पिछले साल से इस साल और भी ज्यादा सेल्स करने की उम्मीद है, क्योंकि लोग लॉकडाउन के बाद अब बाहर निकले हैं, सरकार का काफी ज्यादा सपोर्ट है, और इसके चलते हमें लग रहा है कि इस साल हम पिछले साल का रिकॉर्ड भी सेल्स का तोड़ देंगे। लेकिन बाकी सेक्टर्स की तरह रियल एस्टेट का खतरा भी यही है कि कहीं फेस्टिव सीजन में जोश दिखाने वाला मार्केट दिवाली के बाद बेरौनक ना हो जाए। अभी भले ही ऑफर्स की आड़ में बिक्री हो रही है, लेकिन ये भी सच है कि ज्यादातर खरीदार वो लोग हैं जो लॉकडाउन में घर नहीं खरीद पाए थे। इकोनॉमी के मौजूदा हालात में ज्यादातर लोगों के पास न तो पैसे हैं और न ही हिम्मत कि वो घर खरीद सकें। ऐसे में रियल एस्टेट की रफ्तार को लेकर आशंका कायम है।